अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं ओर्चिड फोर्ड शोरूम, NH58 परतापुर बाईपास मेरठ। पहले खबर फिर असर। तह से तहकीकात तक, जन जन से जुड़ा मुद्दा चाहे कुछ भी, हम पहुंचेंगे हर खबर की जड़ तक। देखिए मेरे साथ मुद्दा। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मिर्जा गालिब का यह शेर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक बिसात की एक इबारत भर है। नजर आ रहा है कि प्रदेश की राजनीति करवट ले रही है। यूं तो अपराधियों की कोई धर्म जाति नहीं होती, लेकिन दाही बगाही यूपी में इन दिनों जो बदमाश ठोको नीति के दायरे में आ रहे हैं, उनमें ब्राह्मणों का बोलबाला ज्यादा नजर आ रहा है। कारण चाहे कुछ भी, और यह प्रयोग हो सकता है और संयोग भी, कुछ भी, योगी सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का तमगा लगाने की कोशिश परवान चढ़ाई जा रही है। बताया जा रहा है कि ठाकुर बिरादरी पर रहम की बरसात है और ब्राह्मणों पर आफत की। इसके जरिए ही अब यूपी में ब्राह्मणों की वोटों को साधने की कोशिश चल रही है। एक समय में सभी तरफ यादवों का राज स्थापित करने वाली सपा और दलितों के प्यार में डूबी बसपा को भी इन दिनों भाजपा से छिटकते ब्राह्मणों को साधने की होड़ लगी हुई है। भगवान परशुराम के जरिए दोनों ही पार्टियां उनकी प्रस्तावित प्रतिमा की ऊंचाई बढ़ा चढ़ाकर पेश कर ब्राह्मण राजनीति के करीब पहुंचने की जुगत में है। दो दिन पहले एकाएक ही पंडित लक्ष्मीकांत वाजपेयी को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाए जाने की खबर भी जंगल में आग की तरह फैल गई। राजनीति में कुछ भी संभव है। भाजपा की राजनीति में हाशिए पर धकेले गए लक्ष्मीकांत वाजपेयी की किस्मत ऐसे में चमक जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। वैसे भी राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं है, नहीं तो दोस्ती और ना ही अदावत। ऊंट कब कौन सी करवट ले ले और कब घोड़े को मात दे दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे में सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, तेल देखिए और उसकी धार को देखते रहिए। यूपी के चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन तैयारियां बेहद नजदीक। अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन कर भाजपा ने बढ़त बढ़ाने की कोशिश की, तो बाकी दल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। चुनाव बिसात पर राम और परशुराम को आमने सामने बैठाने की कोशिश जारी है। समाजवादी पार्टी ने तुरंत ही घोषणा कर दी है कि वह जल्द ही लखनऊ में भगवान परशुराम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाने जा रही है। सपा का कहना और मानना है कि इससे ब्राह्मण समाज को सम्मान मिलेगा। इससे पहले कानपुर के हिस्ट्री शीटर व राजनीतिक कुख्यात विकास दुबे के एनकाउंटर के तुरंत बाद ही राजनीतिक गलियारे में यह हवाई बनाई जानी शुरू हो गई थी कि ब्राह्मणों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। कांग्रेस के जितेंद्र प्रसाद ने खुलकर इस बारे में आरोप भी लगाए थे। अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने बसपा सरकार बनने पर यूपी में ब्राह्मण समाज की आस्था के प्रति भगवान परशुराम के नाम पर अस्पताल बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी श्री परशुराम की प्रतिमा लगाने की बात कह रही है, उसकी कथनी और करनी दोनों में फर्क है, लेकिन बसपा की सरकार बनने पर ब्राह्मण समाज की चाहत के मद्देनजर श्री परशुराम की प्रतिमा हर मामले में सपा की तुलना में ज्यादा ही भव्य लगाई जाएगी। सुनिए क्या कहती हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। उत्तर प्रदेश में इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर विशेषकर ब्राह्मण समाज के आस्था एवं स्वाभिमान के खास प्रतीक माने जाने वाले परशुराम तथा अन्य सभी जातियों व धर्मों में जन्मे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों के नाम पर भी बड़ी संख्या में आधुनिक हॉस्पिटल व सभी जरूरी सुविधाओं से युक्त ठहरने के स्थलों का भी निर्माण कराया जाएगा। और इससे फिर एक तरफ सभी पार्टियों व धर्मों के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों को पूरा पूरा आदर सम्मान मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना जैसी आगे अन्य और भी भयानक बीमारी के फैलने पर फिर वर्तमान की तरह खासकर उत्तर प्रदेश की जनता को कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं आएगी। हालांकि इस मामले में हमारी पार्टी कुदरत से
यही प्रार्थना करती है, कामना करती है कि कोरोना जैसी अन्य और महामारी अब आगे अपने देश में फिर से कभी भी ना यहाँ आए। इसके साथ ही दलित व अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अनेकों महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों के बारे में भी यहाँ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में 4 बार BSP की रही सरकार में इन वर्गों से जुड़े जिन महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों के नाम पर उन्हें आदर सम्मान देने के उद्देश्य से अनेकों जनहित की योजनाएं शुरू की गई थी, साथ ही कुछ जिलों के नाम भी रखे गए थे, तो उन्हें फिर अधिकांश सपा सरकार ने अपनी जातिवादी मानसिकता व द्वेष की भावना के चलते हुए बदल दिया था, जिन्हें फिर BSP की सरकार के बनते ही तुरंत बहाल कर दिया जाएगा। सत्ता की लालसा और सत्ता पाने के लिए आज सपा और बसपा जैसे दल भी अपने को ब्राह्मणों का हितैषी बताते हुए भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ उस राजनीतिक दल से जिससे पूर्व में सत्ता प्राप्त करने के लिए तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार का नारा दिया, मैं पूछना चाहता हूँ दूसरे दल से जिसने सत्ता में रहते हुए सिवाय अपनी बिरादरी को बढ़ाने का काम किया, ऐसे लोग जो धर्म और जाति के नाम पर बांटकर या जातियों में बांटकर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, जनता अब जागरूक हो चुकी है, ऐसे लोगों का निश्चित तौर पर बहिष्कार करेगी। कोई समाज धर्म और जाति के नाम पर बंटना नहीं चाहता है। अगर बात की जाए सत्ताधारी भाजपा की तो वह भी कमर कस रही है। भाजपा की नजर भी इन दिनों कद्दावर ब्राह्मण नेताओं पर टिक गई है। सभी को राज्यपाल अथवा उप राज्यपाल पद से नवाजा जा रहा है। राजनीति में कोई स्थायी दोस्त अथवा दुश्मन नहीं होता, लिहाजा भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की किस्मत भी नजोर मार जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर डॉक्टर वाजपेयी को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में स्थापित कर दिया गया। फोन घन घना उठे और बधाई व शुभकामना देने का सिलसिला चल निकला। विरोधी इस खबर की हवा निकालने में लगे थे तो समर्थक बधाई देने। भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष करुणेश नंदन गर्ग ने सोशल मीडिया पर लिखा, भाजपा में जो होता है वह दिखता नहीं और जो दिखता है वह होता नहीं। इस पर तमाम तरह के कमेंट आए। हालत यहां तक पहुंच गई कि डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को खुद इस खबर का खंडन करना पड़ा। डॉक्टर वाजपेयी ने लिखा कि सोशल मीडिया पर चल रहे आधारहीन समाचारों का संज्ञान न लें। सवाल उठता है कि प्रदेश भर में यह खबर क्या ऐसी ही उड़ गई या फिर इसके भी कुछ निहितार्थ हैं। खबरों का बाजार गर्म है और आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।